वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से आगे हैं हम वापस, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सहरिश उमर। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। ओके, ये आपका नोज का कोका बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? दिखाएं जरा वहाँ पे मुँह करके, बड़ा स्टाइलिश सा है। चले जी, ये बनवाया है या लिया? बनवाया है। खुद बनवाया ना? जी जी। बहुत अच्छा है। चले जी, मुझे बताएं आज यहाँ पे कैसे आना? बच्चों को लेकर आई थी। क्यों, कुछ खिलाने या घुमाने? शॉपिंग करने आए थे। क्या लिया? साथ बच्चों के कपड़े वगैरह लिए हैं विंटर के लिए। ले लिए? हाँ जी। ओके, सवाल करें आपसे? मैं ऐसे भी बताऊंगी। पहले सवाल हो। जी जी। मुझे बताएं 1 to 100, 100 एक से लेके 100 तक जब हम गिनती इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें कितनी दफा ए आता है? कितनी दफा ए आता है? I don't know. दिमाग में एक दफा फोकस करें ना, आ जाएगा। कुछ क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूंगी हलवे की। हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपसे। दूध में डबल रोटी डिप करके अंडे और चीनी भी मिक्स करनी है उसमें। उसके बाद उसे अंडे और चीनी मिक्स करनी है। उसके बाद उसे देसी घी में अपने फ्राई करना है। काजू बादाम वगैरह डाल के सर्व करना है। बहुत डिलीशियस हलवा तैयार हो जाएगा आपके लिए। दूध में डबल रोटी डाल के क्या किया था? दूध में डबल रोटी, अंडे, चीनी मिक्स करके फिर उसे आपने फ्राई करना है देसी घी में। भूनना है? हाँ जी, भूनना है ऐसे। और उसके बाद काजू बादाम। दूध कैसे भूनेगा? दूध दूध में डबल रोटी डिप करके आपने रखनी है, अंडे और चीनी भी उसमें। पूरी पूरी डबल रोटी? हाँ जाएगी। हाँ जी, डबल रोटी टूट जाएगी। अब स्लाइसेस लेने हैं डबल रोटी के आपने 4, तो वो आप दूध में डालेंगे वो मैश हो जाएंगे खुद ही। फिर उस जो गुगरू गुगरू सा हो जाए। हाँ जी हाँ जी। फिर उसको आप अंडे और चीनी मिक्स करनी है उसमें, फिर आपने फ्राई कर लेना उसको देसी घी में, तो बहुत अच्छा हलवा तैयार होगा। अब बनाती रहती? हाँ जी, मैं बनाती हूँ हर सर्दियों में। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। थैंक यू। यू वेलकम जी। इन्होंने आज एक यूनिक सा हलवा बताया है। आपने गाजर का हलवा और बाकी हलवे तो सुने ही होंगे। इन्होंने कहा है दूध में आपने ब्रेड जो है वो डिप करके रखनी है, तो वो बिल्कुल गुगरू गुगरू से हो जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी। फिर उसमें आपने अंडे डालने हैं, चीनी डालनी है, अंडे को बीट करके डालना है, चीनी डालनी है, फिर उसको आपने अच्छे से भूनना है। मैं आपको इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये एक डिफरेंट हलवा है, तो गलती ना हो। अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद नट्स डाल दीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, ये हलवों में ना कभी मूंगफली ना डाला करें। अक्सर लोग मूंगफली डाल देते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है। तो आप बाकी डाल दें, उसको अच्छे से जो है वो आप भूनें, उसके बाद आप उसे खाएं। चलिए आज ना मैं भी जाके ट्राई करूँगी, मुझे लगता है ये अच्छा है, तो आप भी ट्राई करिएगा, फिर हमें बताइएगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिसेज आसिफ। आसिफ। क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ, टेलर मास्टर। वही ना सर, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। मेकअप तो बड़ा अच्छा किया। थैंक यू सो मच। चले जी, मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया शादी? अर्सा 4 साल हो। इनकी कोई एक आदत जो दिल को बहुत छू जाए? बहुत सारी बातें हैं। कोई एक? जिद्दी नहीं है। कोई बात समझाई जाए, प्यार से समझाई जाए, तो इंशाल्लाह अमल करती हूँ। और एक बुरी आदत? कभी कभी गुस्सा कर जाती है। आप भी बताएं इनकी एक अच्छी और एक बुरी। इनकी अच्छी आदत ये है कि मैं कुछ भी गलत करूं आगे से ये बहुत ज़्यादा प्यार से समझाते हैं, गुस्सा नहीं होते। और बुरी आदत इनकी ये है कि ये ज़्यादा देर तक सोते हैं। चले, अब उन्होंने आपको बताया तो आप फिर गुस्सा क्यों करती हैं? अगर वो नहीं करते तो आप भी ना क्या करें। चले ठीक है। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? आपका कपड़ों का काम है, कपड़ों से सवाल कर लेती हूँ। सबसे पहले जिस ये जो बटन्स लगे हुए हैं, जिस मुल्क ने इन बटन का इस्तेमाल शुरू किया था शर्ट पे, वो कौन सा था? सॉरी मुझे तो नहीं, आई डोंट नो। कोशिश करें, नाम लें, तुक्के मारें। बर्तानिया? पढ़ा हुआ है लेकिन इस वक्त। कोई बात नहीं, क्या शेयर करें? मैं यही शेयर करूंगा कि रेसिपी ने एक हमें आजकल के दौर में चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी तालीम देनी चाहिए। तालीम पे ख़ास तौर पे हमें फोकस करना चाहिए, खा लड़की हो या लड़का हो। अक्सर हमारे होता है कि
लड़कियों को तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन लड़कियों को भी खास तरजीह देनी चाहिए पढ़ाई के लिए, उन्हें भी फुल मौके देने चाहिए। वाओ, वेरी नाइस। और मैं डेडिकेट करूंगी अपने हस्बैंड को। जी, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ना मैं तुम्हें सताऊं ना तू मुझे सताए, मैं तुझको समझ जाऊं तू मुझको समझ जाए, हम तुम हम बन के रहे हम राज हम सफर, शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर, प्यार हमारा हो ऐसा के देखे ये जमाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। बहुत अच्छा गाना, कैसा लगा? बहुत अभी अच्छा लगा। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। इन्होंने जो है एक बहुत जबरदस्त सा जो है वो गाना सुनाया अपने हस्बैंड के लिए। इन्होंने अपने हस्बैंड को जो है वो गाना डेडिकेट किया कि अब आपने प्यार तो कर लिया, अब आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी। तो इन्होंने गाया और जो उन्होंने मैसेज शेयर किया कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं, तो मैं हमेशा से आपको ये बात करती हूँ कि इक्वालिटी अपने बच्चों में बराबरी करें, लड़का है लड़की है दोनों बराबर हैं। कई घरों में ये जाहिलियत की जाती है कि लड़कियों को कम मुकाम दिया जाता है और लड़कों को ज़्यादा, और कहीं घरों में ये जाहिलियत की जाती है कि लड़कों को जो है वो कम मुकाम दिया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा, कहीं लड़कियों को ज़्यादा तो लड़कों को कम। ये मत करें, हर माँ बाप ने अल्लाह को जवाब देना है। जैसे बच्चों के ऊपर फ़र्ज़ है माँ बाप की खिदमत करना, ऐसे माँ बाप पे भी फ़र्ज़ है बच्चों को प्यार करना, उनके जज्बातों का ख्याल रखना। सो बच्चों के साथ प्यार करें और लाइफ एंजॉय करें, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमारा हसन। क्या करती हैं? होम घर में होती हैं। आज मॉल में कैसे आना हुआ? ये अपने बेबी को लेके आई थी। कितने बेबी हैं? एक ही बेटा। माशाल्लाह, क्या नाम है? अरहम। क्या उम्र है? 7 माह का। तो उससे क्या पता मॉल का? वैसे घूमने फिरने। ओके, चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। जी कर। मुझे बताएं दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? नहीं पता, कोशिश करो। क्या शेयर करेंगे? रेसिपी गाजर के हलवे की बताऊंगी कि सबसे पहले इसको क्रश करें, फिर उसके अंदर दूध में डाल के और इसको अच्छी तरह बनाएं, बीच में गिरियां बादाम पिस्ता और खोया वगैरह डालें और बस। सही ऐसे ही है। देखिए अक्सर लोग जो है वो गाजर जो है वो खड़ी खड़ी सी होती है, बड़ी बुरी नरम सी। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह उसको जब वो गल जाएं फिर उसके बाद उसमें दूध डालें, पहले उसको घी में फ्राई करें, फिर उसके अंदर दूध डाल के फिर गिरियां बादाम पिस्ता और फिर उसके अंदर खोया डालें, फिर तैयार है। घर में कौन शौक से बनवाता? जी घर में कौन शौक से बनवाता हलवा? अम्मी। आपकी अम्मी या सास? माँ। सास माँ वो शौक से बनवाती है। जी और कौन बनवाता? और घर में कोई भी नहीं है, बस अब्बू हैं, सास है, ससुर हैं। आपके हस्बैंड? हाँ हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। जी उनको क्या पसंद है खाना? उनको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें। वो क्या बनवाते हैं शौक से? वो बिरयानी। कैसी बनाते? ये जो तहवों वाली बिरयानी नहीं होती वो, तो उसमें वो जो नींबू अचार और सब डालती हैं, पुदीना आलू बुखारा सब डालती हैं। जी सब। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वो। थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने जो है वो गाजर के हलवे की जो है वो रेसिपी बताई है, और मगर वो कह रही है कि मुझे बड़ा अच्छा जो है वो हलवा बनाना आता है, मगर उस हलवे का इनको इतना फ़ायदा नहीं क्योंकि वो उनके हस्बैंड को जो है वो हलवा पसंद नहीं है। तो भाई फ़ायदा फिर, क्योंकि हस्बैंड को जो चीज़, नो डाउट बाकी फैमिली मेम्बर भी इम्पॉर्टेंट है, उनको पसंद है, लेकिन जो हस्बैंड जितने शौक से जो चीज़ खाएँ ना,
तो फिर उसमें आपको कमांड हो तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है बनाने की, और वो फरमाइश भी करें कि मुझे ये बना के दो। और जो उन्होंने बिरयानी बताई, मैं कहती हूँ कि बिरयानी जब आप बनाओ ना तो बिरयानी में बड़ी चीज़ें डालो, आलू बुखारा भी डालो, अचार भी डालो, पुदीना भी डालो, लीमू भी डालो, हर चीज़ हो तो बिरयानी का फिर मज़ा भी आता है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नूरुल हसन। सामने देखें, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है अपना लोहे का ना। लोहे का? ओके। क्या होता है लोहे के बिजनेस में, क्या करते हैं आप? काम होता है टी आर एन सरिया वगैरह होता है, मिश्री शाम है। आजकल आपको वैसे ही पता काम शाम स्लो है, फिर जल्दी फ्री होके इस वजह से मैंने लौटने का शो वगैरह देखता था, मैंने कहा चले आज मैं भी आपसे बातचीत करके देखूं। चले गुड हो गया। चले जी, मुझे बता दें कि ये जो सवाल है मेरा आपसे, जैसे उतार चढ़ाव आता है बिजनेस में, क्या लोहे के भी रेट्स में आता है? आता है, जारी सी बात है, जब डॉलर का रेट ऊपर जाना है चीज़ ने महंगी होना, जब नीचे आना वो जारी बात है नीचे आना ना, मुल्क के हालात के साथ ही डॉलर के साथ लोहे का काम है। ओहो, तो नुकसान हुआ होगा अभी तो? नुकसान भी होता है नफ़ा भी होता है, ये तो बिजनेस का एक हिस्सा है ना, नफ़ा नुकसान साथ साथ ही। चले जी, सवाल करें आपसे। जी करें। ओके, पहले मुझे बताइए नई हुकूमत आने के बाद नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? फिलहाल तो नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो कोई नहीं मिला। चले बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फ़ायदा भी मिल जाएगा। चले देख रहे हैं, सबके साथ ही, हम अकेले तो नहीं है। हाँ, सभी भुगत रहे हैं। चले जी, सवाल करते हैं, मुझे बताएं आपके ए से लेके वन से लेके हंड्रेड तक जब हम काउंटिंग इंग्लिश में लिखते हैं तो ए कितनी दफ़ा आता है? 10 दफ़ा आता है। गलत जवाब जी? गलत जवाब। गलत जवाब, गलत। 10 दफ़े ही आता है। नहीं, क्या सुनाओ? जो मर्जी सॉन्ग सुना दो। बिल्लियाँ बिल्लियाँ खान खनु मैं तक्का, तू फोर गोर नहीं कर दी रोज दखरा खा, गुल गुलाबी नैन शराबी, गुल गुलाबी नैन शराबी, तो दरिया तक्का, बिल्लियाँ बिल्लियाँ खान, बस इतना ही है, थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए यू वेलकम। जी, इन्होंने बताया कि इनका जो है वो लोहे का कारोबार है, जिसकी वजह से इनको भी नई हुकूमत आने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वेल, मैं कहूँगी गाइस, दिस इज़ टू अर्ली टू जज, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लोग जो है वो रिलैक्स करें, थोड़ा सा जो है वो हिम्मत करें, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये वाला बुरा वक्त भी नहीं रहेगा जिसमें आपको नुकसान हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे, बिज़नेस जो है वो दोबारा से अच्छा हो जाएगा। तो बस बुरे वक्त में हैं अपने ही होते हैं जो अपनों का साथ देते हैं, और ये हमारा मुल्क है, हमारे लिए बहुत अजीज़ है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो हमने अपने मुल्क का साथ देना। जी नाज़रीन, क्या हुआ है, टाइम हुआ है किस चीज़ का, एक ब्रेक का। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।